नमस्कार, हिमाचल अभी अभी डॉट कॉम से मैं दिव्या पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 75 पहुंचा, अभी तक 123 मामले आए सामने। हिमाचल की आईटीआई में शुरू होंगे ड्राइविंग कोर्स, लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, मंत्री ने दिया आदेश। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर विश्व नेताओं से बोले दलाई लामा, गतिरोध और अज्ञानता के खिलाफ लड़े। मेजर नीरज शर्मा सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, सेना अधिकारी भाई ने दी मुखाग्नि। शिक्षा निदेशक का फेसबुक अकाउंट हैक, शातिरों ने कई शिक्षकों को भेजे पैसे देने के संदेश, एसपी से शिकायत। बिलासपुर में ठेके के सेल्समैन पर हमला, 25,500 रुपए पर किया हाथ साफ, नहीं ले जा सके शराब की बोतलें। बीजेपी औद्योगिक प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला संयोजक की तैनाती। संग्राम में घास काटते खाई में गिरने से उपप्रधान की मौत, ब्यास किनारे मिला अधेड़ का शव। शिमला में बूंदाबांदी के बाद मौसम हुआ सुहावना, प्रदेश में कल से बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। शिमला में आज का दिन अब तक कोरोना का लेकर ठीक नहीं रहा है। एक तरफ जहां आज 3 कोरोना डेथ दर्ज की गई है, वहीं 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। सोलन में 2 और सिरमौर में 1 संक्रमित की मौत के बाद अब कांगड़ा जिला में भी 1 मौत दर्ज की गई है। जिला कांगड़ा के तहसील ज्वाली के पलोदा गांव में 1 62-वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है। महिला उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। महिला को बुखार, कफ और सांस लेने में दिक्कत के चलते मेडिकल कॉलेज टांडा में भर्ती किया गया था। आज महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, महिला ने दम तोड़ दिया है। कांगड़ा जिला में अब तक 14 की मौत हो चुकी है। हिमाचल में पिछले कल रात 9 बजे के बाद से अब तक 123 मामले सामने आए हैं। इसमें सोलन के 46, सिरमौर के 41, मंडी में 22, कांगड़ा में 14 मामले सामने आए हैं, साथ ही 45 ठीक हुए हैं। इसमें सोलन के 24, कांगड़ा के 9, बिलासपुर के 8 व कुल्लू और शिमला के 2-2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 9,352 पहुंच गया है। अभी 3,268 एक्टिव केस हैं। अब तक 5,996 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 75 पहुंच गया है। तकनीकी शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने कहा कि सभी आईटीआई में ड्राइविंग कोर्स शुरू करवाएं, जिससे महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी प्रिंसिपल को आईटीआई में सीसीटीवी कैमरा लगाने के भी आदेश दिए। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने पर उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक आईटीआई में कार्यरत 2 प्रधानाचार्य में से 1 प्रधानाचार्य को खाली पद पर तैनात किया जाएगा। डॉक्टर मारकंडे ने आज यहाँ पीटरहॉफ में आयोजित औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि स्ट्राइप परियोजना के तहत चयनित 19 आईटीआई को लगभग 30,70,65,000 रुपए की राशि संस्थागत सुधार तथा कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 12,24,00,000 रुपए की राशि 19 आईटीआई में आवंटित की गई है। परियोजना का समापन नवंबर 2022 में होगा। तिब्बतियों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने विश्व नेताओं से आह्वान किया है कि वे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और अज्ञानता के खिलाफ लड़ें और जलवायु के अनुकूल दुनिया और अपने अधिकार का दावा करने के लिए खड़े हों। दलाई लामा ने ये उद्गार आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय के साथ जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित G7 संसदीय नेताओं की वर्चुअल बैठक में एक वीडियो संदेश में व्यक्त किए। जलवायु परिवर्तन के मसले पर दलाई लामा ने कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी है, हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए और इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। बड़े देश केवल अपने मुनाफों के बारे में सोचते हैं और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उनके एजेंडे में काफी नीचे है। अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए। इस बैठक का आयोजन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने किया था, जो हिमालय क्षेत्र के लिए एक लंबे समय से प्रयासरत हैं। राजस्थान में एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय थल सेना के मेजर नीरज शर्मा का आज उनके पैतृक गांव गगरेट के बांधू भद्रकाली में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।
रविवार सुबह मेजर नीरज शर्मा की पार्थिव देह उनके गांव पहुंचाई गई। मेजर नीरज शर्मा 4 दिन बाद छुट्टी बिताने घर आ रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उससे पहले ही उनके साथ ये हादसा हो जाएगा। बेटे का पार्थिव शरीर देखकर परिवार वालों के आंसू नहीं थम रहे थे। 19 सिख रेजिमेंट से मेजर इंद्रप्रीत एवं मेजर शंकरपुरी गार्ड के साथ पार्थिव शरीर लेकर पहुंचे और उनकी माता उर्मिला देवी, भाई लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित शर्मा व परिवारजन भावुक हो उठे। तत्पश्चात तिरंगे में लिपटे जांबाज को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर देने पहुंची टुकड़ी ने 21 राउंड फायर करके उनको अंतिम सलामी दी। मेजर नीरज शर्मा के बड़े भाई मेजर रोहित ने छोटे भाई की चिता को अग्नि दी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। रविवार को छात्रों ने उनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर उनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसों की डिमांड की। मैसेज में लिखा गया कि उन्हें पैसों की जरूरत है। कई शिक्षकों को ये मैसेज आए, उन्होंने तुरंत निदेशक को फोन कर इसकी जानकारी दी। इसके बाद निदेशक ने पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला को इसकी शिकायत भेजी। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि वे अपने फेसबुक को कम ही यूज करते हैं। रविवार को उन्हें कई लोगों के फोन आए, इसके बाद उन्होंने इसके बारे में पुलिस को सूचित कर दिया। राजधानी शिमला में ही पिछले 6 महीनों में 2 दर्जन के करीब शिकायतें फेसबुक अकाउंट हैक कर पैसे मांगने की आ चुकी हैं। इसमें डॉक्टर, पुलिस कर्मचारी के अलावा कई अधिकारियों ने ऐसी शिकायतें पुलिस में दी है। छात्र फ्रेंड लिस्ट में शामिल दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग करते हैं और जाने अनजाने में लोग पैसा भेजते हैं। बिलासपुर के तहत जुखाला के जब्बलपुर में रात को ठेके के सेल्समैन के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की तथा ठेके को लूटने का प्रयास किया। हालांकि हमलावर गल्ले में रखे पैसे ले जाने में कामयाब हो गए, वहीं शराब की बोतल नहीं ले जा सके। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में ठेके के सेल्समैन 44 वर्षीय गौतम ने कहा कि वह रात को करीब 12:30 बजे पेशाब करने के लिए ठेके से बाहर निकला। उसी समय 2 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट कर उसे पकड़ लिया। इसी दौरान हमलावर के साथ 2 अन्य लोगों ने ठेके के अंदर घुसकर पैसे के गल्ले पर हाथ साफ किया, जिसके बाद ठेके से करीब 20 पेटियां बाहर निकाल ली। वहीं काउंटर पर लगी शराब की भी 16 बोतल बोरी में भरकर बाहर निकाल ली। उन्होंने ये सारी शराब ठेके के साथ एक ढाबे पर रखी। इस दौरान एक ट्रक चालक सीमेंट उद्योग बग्गा की तरफ से आया और उसने ठेके के सेल्समैन को आवाज लगाई, जिसे सुनकर ये हमलावर घबरा गए और वहां से भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी औद्योगिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुमित शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श करने के उपरांत प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला संयोजकों की घोषणा की है। समर सिंह चंदेल नालागढ़, मनोज बिंदल परवाणु, सुधांशु कपूर मंडी, अनिल शर्मा पालमपुर, सचिन महाजन डलहौजी, दिनेश सिंह नूरपुर, नवीन अग्रवाल पांवटा साहिब, जगदीश तोमर शिलाई, राजीव राणा हरोली व महेंद्र डडवाल गगरेट को औद्योगिक प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के तहत आने वाली टिकरी डसाकना पंचायत के उपप्रधान बलिराम ठाकुर की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई।
65 वर्षीय बलिराम रनवा गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत उप प्रधान अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल में घास काटने गए थे। घास काटते वक्त उनका पांव फिसला और वे खाई में जा गिरे। हादसे में गहरी चोटें आने पर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जिला कांगड़ा में पुलिस थाना ज्वालामुखी के तहत ब्यास नदी के किनारे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश में चार दिन के बाद सोमवार से मध्य ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। निचले व जनजातीय क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। रविवार दोपहर बाद शिमला शहर व धर्मशाला क्षेत्र में बूंदाबांदी हुई। शिमला में 10-15 मिनट के बाद दोबारा सूर्य चमकने लगा। सोमवार से निचले मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दें तो ऊंचाई वाले स्थानों में बादल बरस सकते हैं। राज्य के ऊना में अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। जनजातीय केलंग में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। धर्मशाला क्षेत्र में रविवार को शाम तक बादल छाए रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्र में बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।